प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जेएस हॉस्पिटल के सामने दो कार सवारों ने किया 4 राउंड फायर। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। हॉस्पिटल के संचालक की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने कहा, घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की जा चुकी है गिरफ्तारी। एक गाड़ी को किया गया है बरामद। जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों को की जाएगी गिरफ्तारी। बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2,723.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 17 नग 400, 220, 132, 33 केवी पारेषण वितरण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, पहले 4 जिलों में आती थी बिजली, 71 रहते थे अंधेरे में, आज हर गांव जिला है वीआईपी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आजादी के अमृतकाल में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश है प्रतिबद्ध। हर घर बिजली, निर्बाध बिजली का सपना हो रहा है पूरा। ग्यारह से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, हर घर में तिरंगा फहराने के लिए निगम क्षेत्र के 1,10,000 घरों पर तिरंगा का होगा वितरण। विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित, सभी नागरिकों से की अपील। कहा, 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित मोहम्मद शहनवास को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराज विधायक महेंद्रपाल सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए आरंभ करने जा रहा है छात्रवृत्ति योजना। मेगावी छात्रों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति। प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने दी जानकारी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भाजपा आलाकमान ने MLC प्रत्याशी किया घोषित। कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के बीच मोदी और योगी के नारा तथा भाजपा का झंडा लहराते हुए किया खुशी का इजहार। सबने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। नन्हे विद्यार्थियों ने प्रधान डाकघर में किया फील्ड ट्रिप। परवर पोस्टमास्टर ने नन्हे बच्चों को डाकघर में फ्लैटली के डाक टिकटों के महत्व, अंतरदेशी पत्रों, लेटर बॉक्स आदि के बारे में दी विस्तृत जानकारियां। नन्हे बच्चों ने चिट्ठी को किया पोस्ट। और भार्गव सेवा समिति एवं ब्राह्मण मातृ शक्ति द्वारा हरितालिका 30 सावन महोत्सव का किया गया आयोजन। कहा, समाज की सेवा और जो भी समाज को है जरूरत उसको पूरा करने का है समिति का लक्ष्य।